हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मनोज दे का थंबनेल्स काफ़ी ज़्यादा वायरल थंबनेल्स है। इसी थंबनेल्स का ट्यूटोरियल्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है। और हाँ, इस वीडियो में थंबनेल्स बनाने के लिए यूज किए गए मटेरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इस थंबनेल्स को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। फिर इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है यहाँ पर क्लिक करके। अब उसके बाद गाइस, हमें इसमें एक YouTube थंबनेल्स का प्रॉपर साइज लेना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करके इमेज साइज पर जाना है। इमेज साइज पर जाने के बाद आपको कस्टम पर क्लिक करके, फिर उसके बाद यहाँ पास YouTube थंबनेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर उसके बाद इसमें हमें बैकग्राउंड ऐड करना है, तो फिर से हमें थ्री डॉट पे जाना है और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में आपको जाना है, और यहाँ से आपको थंबनेल्स का बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो बैकग्राउंड को ऐड आपको कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अब हमें इसमें एक कट पेपर ऐड करना है, तो सिंपली प्लस वाला आइकॉन यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और फ्रॉम गैलरी में आपको जाना है। गैलरी में जाने के बाद गाइज, आपको यहाँ पास कट पेपर मिल जाता है देखने को, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट करके आपको थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है, और बड़ा करके आपको यहाँ पास लेफ्ट साइड में इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद गाइज, अब हमें यहाँ पास क्लिक करना है और इसमें एक शैडो देना है, तो यहाँ पास आपको शैडो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके हमें शैडो को इनेबल कर लेना है। उसके बाद इसका जो कलर है वो हमें ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये रहा ब्लैक कलर। और उसके बाद ब्लर रेडियस को आपको 25% कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट वाई को -55 रखना है, और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर देंगे। कम करने के बाद डन कर देंगे। अब गाइस, फिर से हमें लेयर वाला ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक कर दोगे तो ये हिलने वाला नहीं है। उसके बाद अब हमें इसमें एक PNG इमेज ऐड करना है, तो आपको फिर से प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और एक PNG इमेज आपको बना लेना है। तो हमारा ये रहा इमेज कुछ इस प्रकार का, आपको PNG इमेज बना लेना अपने फ़ोटोज़ को, और इसको थोड़ा सा छोटा करके, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके, और इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेपर के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके और इसको लॉक कर देना है। तो हमारा जो पेपर है काफ़ी अंदर है, तो इसको थोड़ा सा अनलॉक करके हम अपने ये जो बैकग्राउंड में पेपर है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बाहर ला के इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पास इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर से लेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको हम लॉक कर देंगे। अब उसके बाद गाइस, जो हमारा मनोज डे का PNG इमेज है इसके पीछे शैडो लगाना है, तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है, और ये रहा हमारा वाइट शैडो, तो इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं शैडो को, इसको इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो कलर है इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस कलर को इनेबल करना है, और फिर उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पास क्लिक करना है, और उसके बाद फिर मैं ये वाला कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कलर को, फिर ओके कर देंगे। और अब आपको कुछ यहाँ पास इस तरीके से लगा लेना है इस शैडो को, फिर लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको, और ये जो मनोज डे का PNG इमेज है इसको आपको पकड़ के ऊपर लाना है। उसके बाद इस शैडो को लॉक कर देना है। और गाइज, इसका जो बैक में हमें एक शेप बनाना है, तो यहाँ पास शेप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसका एक नया शेप ले लेना है, और इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के खींच के आपको लंबा कर देना है, और उसको बाद यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट करना है, और अब इसको हमें रोटेट करना है, तो यहाँ पे ये रोटेट का ऑप्शन है, इसको हम -5 डिग्री रख लेते हैं, तो इसको हम -5 डिग्री रख लेते हैं। -5 डिग्री इसको रोटेट करने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा करके और लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको पकड़ के सबसे आपको नीचे लाना है, इसको सबसे बैक में आपको कर देना है। इसको बैक में कर देने के बाद आपको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है, लॉक कर देना है। उसके बाद गाइज, अब हमें यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करना है, तो सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ पास न्यू टेक्स्ट आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करके अब हमें यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड न्यूज,
अब गाइज लिख लेने के बाद आपको डन कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लिखा चुका है गुड न्यूज़। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये रोटेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एंगल -5 डिग्री इसको भी रोटेट कर लेना है और फिर ओके कर देना है। उसके बाद गाइज अब हमको इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसका जो फॉन्ट है इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि इसका जो फॉन्ट है वो नॉर्मल है तो इसको चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट को ले लेना है, तो मैं ये वाला फॉन्ट को ले लेता हूँ और फिर ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद गाइज अब हमें जाना है बी का जो स्टाइल वाला ऑप्शन है, इस पर जा करके बी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फॉन्ट को झुका देते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद गाइज इसको कुछ इस तरीके से आपको बड़ा करके यहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ पे ठीक है, इसको इस तरीके से सेट कर देना है और आपको नीचे आना है और ये शैडो का ऑप्शन है तो हमें एक शैडो देना है, तो इस पर शैडो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। और सबसे पहले इसको तो कलर को हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है इसको मैं ये वाला कलर को ले लेता हूँ। लेने के बाद अब इसका जो ब्लर रेडियस है इसको तो हम पूरा कम कर देंगे, ठीक है, और ऑटो ग्लो को इसको इनेबल करके और ऑफसेट एक्स को हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं, ठीक है, 5-6 रख लेते हैं। और उसके बाद अब हमें ये वाला जो शैडो दिख रहा है इस पर क्लिक करके हमको इनेबल कर देना है और यहाँ पे इसका कलर को हमें येलो सेलेक्ट करना है, तो ये येलो कलर है इसको येलो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और इसका जो ऑफसेट एक्स है इसको 1 रखना है, ऑफसेट एक्स को 1 रखना है और ऑफसेट वाई को -3 रखना है, ठीक है, बस इतना ही आपको रखना है। उसके बाद ओके कर देना है, तो ये हमारा जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। तो अब हमें इसमें एक और लिखना है टेक्स्ट, तो सिंपली फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और एक नया टेक्स्ट को ले लेना है। तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को ले लिया हमने और इस पर फिर से डबल क्लिक करके और अब आपको लिखना है हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड न्यूज़, यहाँ पे लिख लेता हूँ अब, ठीक है। अब लिखने के बाद इसको ओके कर देंगे और इसका जो नीचे की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसका जो कलर है इसको हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से नीचे आना है, ये जो बी स्टाइल है इसको पर सेलेक्ट करके इसको और बी को सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा फॉन्ट को झुका लेंगे। झुकाने के बाद गाइज अब हमें इसको भी -5 डिग्री रोटेट कर लेना है, -5 डिग्री इसको भी रोटेट करना है, इसके एंगल का -5 डिग्री और फिर ओके कर देना है। और ये जो टेक्स्ट है हमारा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके इस तरीके से यहाँ पे हमें लगा लेना है, इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेना है। और अब क्या करना है, आपको एक और नया टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको एक न्यू टेक्स्ट लेना है। उसके बाद फिर इस पर भी डबल क्लिक करके अब लिखना है, यहाँ पे हमने अब लिख लिया, अब लिखना है व्यूज़, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्यूज़, यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे इसका जो कलर है इसको हमें सबसे पहले चेंज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कलर को यहाँ पे मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसको डार्क करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देंगे। अब गाइस ओके कर देंगे और उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे -5 डिग्री, एंगल -5 डिग्री इसको भी रोटेट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। और फिर से हमें बी फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाना है और इसके बाद फिर इसका भी फॉन्ट को हमें चेंज कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब बी स्टाइल वाला जो ऑप्शन है इस पे जा करके और इसको फॉन्ट को झुका देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये भी हमारा फॉन्ट जो है सही लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके इसको जूम करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है अब व्यूज। उसके बाद फिर से हमें एक न्यू टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे अब वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब वाला ऑप्शन जो है इसको हमें रिमूव करके यहाँ पे लिखना है की, ठीक है, अब व्यूज़ की। तो यहाँ पे की जो है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। और ये जो व्यूज़ का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट है, इसको हमें कॉपी कर लेना है, तो इसको कॉपी करने के बाद फिर से इसको रिमूव कर देना है आपको और यहाँ पे लिखना है बारिश, अब व्यूज़ की बारिश, यहाँ पे मैंने बारिश लिख लिया और ओके कर देंगे। इसके बाद इसको भी थोड़ा इस प्रकार से हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे छोटा करके, अब व्यूज़ की बारिश, अब लिखना है होगी,
तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, और होगी लिखना है तो की पर क्लिक करके, और यहाँ से की को भी कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ से कॉपी कर लेना है, और फिर से की पर क्लिक करके आपको इसको थोड़ा, इसको रूम रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखना है होगी अवीव्स की बारिश होगी, और ओके कर देना है, और यहाँ पे होगी जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पास सेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ अवीव्स की बारिश होगी। तो गाइज़ ये हमारा जो है थोड़ा थंबनेल्स काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा था, इसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए अब हमें लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले इस सबको आपको लॉक कर देना है जो कि डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद गाइज अब हमें इसमें कुछ मटेरियल्स को ऐड करना है, तो सिंपली आपको प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करके आपको मटेरियल्स को ऐड करना है। तो प्लस वाला आइकॉन पे मैं क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ, और कुछ इस तरीके का मटेरियल्स को मैं ऐड कर लेता हूँ जिससे थंबनेल्स का जो हमारा क्वालिटी है वो अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके, और यहाँ पे गुड लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है गाइज। और उसके बाद फिर से हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ पास अब की बार मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद ओके कर देना है, फिर से यहाँ पे इसको छोटा करके, और यहाँ पे इसको बीच में यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद गाइज अब हमें एक और इसको देना है, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हमें इसको क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है, और इसको रोटेट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करके, और यहाँ पे ये हमारा कॉपी हो चुका है, तो इसको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा थंबनेल काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब गाइज इसको हमें लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबको पहले लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब हमें इसमें एक अम्ब्रेला को ऐड करना है। अब वीव्स की बारिश होगी तो अम्ब्रेला को ऐड करना है, तो सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ पे ये अम्ब्रेला का PNG इमेज है, इसको हमने ऐड कर लिया, और इसको इस तरीके से मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पास इसको इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पास इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पास इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको हमें एक और कॉपी करना है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको हमें एक कॉपी करना है, तो यहाँ पे कॉपी वाला बटन पे क्लिक करके हमने कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा सा जूम करके, और इसको अब यहाँ पास मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको रोटेट करना है, यहाँ पास लगा लेता हूँ। अब गाइज इसमें हमें YouTube का PNG लोगो ऐड करना है, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ पे ये YouTube का लोगो है, तो सिंपली इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आपको नीचे के साइड में आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लगा लेना है इस तरीके से, और आपको फिर लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सभी मटेरियल्स को आपको लॉक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंबनेल्स है काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है, तो अब इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर वाला बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन पे आपको जाना है, और यहाँ पे वेरी हाई को सिलेक्ट कर लेना है, इससे हमारा इमेज का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारे इमेज सेव हो जाएगा। तो गाइज़ हमारा मनोज दे का जो थंबनेल्स है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, जरा से भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना।